हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे C4 साइकिल के टाइप्स को, जिसमें से हम लोग ये फर्स्ट वाला डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में पोस्ट किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज हमें डिस्कस करना है टाइप 2 एंड टाइप 3, जो C4 साइकिल का लास्ट पार्ट होगा, फिर हम लोग कैम साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें से NADP मैलिक एंजाइम टाइप हम इसको कर चुके हैं, NAD मैलिक एंजाइम टाइप ये हमें करना है, पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम टाइप ये हमें करना है। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, उसके अकॉर्डिंग एक आंसर दें आप लोग कमेंट सेक्शन में। ये वाला जो साइकिल था फर्स्ट वाला, इसमें कुछ एनर्जी कैलकुलेशन हमने किया था उस वीडियो के लास्ट में, तो उसमें कितना ATP चाहिए था, कितना NADPH2 चाहिए था फॉर 1 CO2, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द मैड बायोलॉजिस्ट, उस पे आप मुझे टेक्स्ट करके बताएं इसका आंसर। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये एक बार। जो फर्स्ट वाला था उसका रिकैप ले लेते हैं, फिर सेकेंड वाले पे चलेंगे, फास्ट रिकैप लेंगे उसका। जस्ट अ मिनट, ओके। चलो पहले मैं यहाँ का कैमरा ऑफ कर दूं तो आपको पूरा व्यू मिल जाएगा। ओके, चल। हम लोगों ने क्या देखा था, ये था नंबर 1 टाइप, राइट? इसको हम लोगों ने फास्टली एक बार देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक CO2 साइटोसोल में आई, किसके? मेसोफिल सेल के, जो वाटर के साथ कंबाइन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो बन गया H2CO3, जो वीक एसिड था, तो स्प्लिट हो गया HCO3 नेगेटिव एंड H+ में। ये कंबाइन हो जाता है फिर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? पेप कार्बोक्सिलेस, तो ऑक्सैलो एसिटेट बन गया, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जो कि 4 कार्बन का है, इसलिए इसको C4 साइकिल बोला। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज आया, उसने क्या यूज किया, एक NADPH यूज किया, कन्वर्ट कर दिया NADP पॉजिटिव में और ऑक्सैलो एसिटेट बन गया मैलेट में। मैलेट को भेज दिया मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में, फिर यहाँ पे मैलेट पे काम किया NADP मैलेट डिहाइड्रोजनेस ने, जिसने इसका करवाया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी इसमें से CO2 तो निकली तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और ऑक्सीडेशन हुआ, यानी NADP कन्वर्ट कर दिया NADPH में। यहाँ पे NADPH कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे बन गया, मतलब इसका नेट रिएक्शन 0 हो गया। चलो ये चीज हो गया, CO2 चला गया रूबिस्को में, चल गया C3 साइकिल। मैलेट में से CO2 निकाला तो बना पाइरूविक एसिड, जो बंडल शीट सेल से निकल के चला गया मेसोफिल सेल में, जहां पे उस पर PPDK ने काम किया तो ATP कन्वर्ट हो गया AMP में। वैसे तो ADP में होता है, यहाँ पे AMP हो गया, ये अपन पिछले वीडियो में कवर किए थे, राइट? अब इससे आपको क्या याद रखना है, इसमें एक तो आपको ये डिकार्बोक्सिलेशन जो एंजाइम कर रहा है मैलिक NADP मैलिक डिहाइड्रोजनेज याद रखना है, लास्ट में मैं ये सब लिखवाने वाला हूँ, तो चलो तभी दे देता हूँ, ज्यादा बेटर है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं डिक्टेट कर दूंगा वो पॉइंट, आप उसको लिख लेना। आते हैं टाइप नंबर 2 पे, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स हैं, एक है मेसोफिल सेल, एक है बंडल शीट सेल। मेसोफिल सेल में एंटर करती है एटमोस्फेरिक CO2, तो ये एटमोस्फेरिक CO2 कंबाइन हो जाती है वाटर के साथ एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगी, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो बन गया H2CO3, जो पिछले साइकिल में भी बना था। तो ये कैसा एसिड है, वीक एसिड। क्या होगा, ये H+ में टूटेगा और साथ में HCO3 नेगेटिव में टूटेगा, फिर ये PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज, तो PEP और HCO3 नेगेटिव जुड़ गया पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बन जाएगा 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नोन एज ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट पे काम करेगा एक दूसरा एंजाइम, उसे बोलते हैं एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, जिसके कारण ग्लूटामेट से एक अमीनो एसिड लेंगे, सॉरी ग्लूटामेट से एक अमीनो ग्रुप लेंगे और किसको दे देंगे, ऑक्सैलो एसिटेट को, यानी एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप लेगा,
ऑक्सो एसिटेट पे जोड़ेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट में। जैसे ही ग्लूटामेट से अमोनिया ग्रुप लिया तो वो बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, जिसको हम टू ऑक्सो ग्लूटारेट भी कह सकते हैं। ये हो गया एस्पार्टेट, मीजोफिल सेल से चला गया बंडल शीथ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ये लोकेशन से याद रखना, ये लास्ट में सब लिखवाऊंगा। अब एस्पार्टेट पे ये रिएक्शन रिवर्स कर दो, यानी इससे अमीनो ग्रुप निकालेंगे एस्पार्टेट से और ग्लूटामेट को दे देंगे, ठीक है ना, मतलब कीटो ग्लूटारेट को दे देंगे तो ग्लूटामेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमने अमीनो ग्रुप निकाला, इसे दे दिया तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट। कौन सा एंजाइम? वो एंजाइम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेस। तो वापस से ऑक्सैलो एसिटेट में हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटेट को अमोनियम ग्रुप दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? एस्पार्टेट। एस्पार्टेट से निकाला तो वापस ऑक्सैलो एसिटेट में बन जाएगा। अब यहाँ पे काम करेगा एनएडी मैलिक डिहाइड्रोजनेस, तो एनएडीएच कन्वर्ट हो जाएगा एनएडी पॉजिटिव में, तो ऑक्सैलो एसिटेट बन गया मैलेट में। मैलेट का हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी स्टेप हो रही है यहाँ पे? डेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये भूलना मत। तो मैलेट बदल जाएगा पाइरोविक एसिड में, क्योंकि मैलेट चार कार्बन का था, एक कार्बन आपने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से निकाला और बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में भेज दिया। वहां पे क्या चल जाएगी? C3 साइकिल, रोबिस्को प्रेजेंट है क्योंकि उसमें। पाइरोविक एसिड जाएगा बंडल शीथ सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां पे काम करेगा इस पे दूसरा एंजाइम एलानिन अमीनो ट्रांसफरेस, जो फिर ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप निकालेगा उसे कन्वर्ट कर देगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो पाइरोविक एसिड पे आपने अमीनो ग्रुप जोड़ा तो बन गया एलानिन में। एलानिन चला गया बंडल शीथ सेल से कहाँ पे? मेसोफिल सेल में, जिस पे काम किया सेम एंजाइम एलानिन अमीनो ट्रांसफरेस, इससे अमीनो ग्रुप फिर निकाल लिया। किसको दिया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, तो बन गया ग्लूटामेट में। तो अगर पाइरोविक एसिड को अमीनो ग्रुप दिया तो एलानिन बना, एलानिन से अमीनो ग्रुप निकाला तो वापस से पाइरोविक एसिड बन गया। पाइरोविक एसिड चला जाएगा मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहां पे काम करेगा पीपीडी के, तो बदल जाएगा पेप में। कैसे? एक एएमपी यूज करेंगे, एक एटीपी यूज करेंगे तो एएमपी बदल में बदल जाएगा। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, मैं आपको वो हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ मिनट, ये मार्कर, एक मिनट, थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन हैंग हो रहा है आपको। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं हो रहा है वो तो। हाँ जी, हमें क्या ध्यान रखना है कि पहली बात मीजोफिल सेल से बंडल शीत सेल में क्या जा रहा है, दूसरा बंडल शीत सेल से मीजोफिल सेल में क्या क्या जा रहा है। मीजोफिल सेल से बंडल शीत में क्या गया? एस्पार्टेट, पहला पॉइंट। दूसरा, बंडल शीत सेल से मीजोफिल सेल में क्या गया? एलानिन, ठीक है, ये ध्यान रखना। एस्पार्टेट आया, एलानिन गया। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ हुआ? बंडल शीत सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। किसने कराया? एनएडी मैलिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये चीजें लिखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है। अगर आपको साइकिल याद नहीं हो रही, दैट्स नॉट अ इशू। अगर आपको लोकेशन से याद दोगे कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपका काम हो गया समझो। इसका लास्ट टाइप थर्ड टाइप पे आते हैं, रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा ये बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाती है। एटमोस्फेयर CO2 आएगी मेसोफिल सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म में, पानी के साथ जुड़ेगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, तो H2CO3 फिर से बन गया। H2CO3 H+ में टूटेगा, HCO3 नेगेटिव में टूटेगा और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ जुड़ जाएगा। और आप एंजाइम का नाम जानते हो, पेप कार्बोक्सिलेस। तो फिर से चार कार्बन का कंपाउंड बना ऑक्सैलो एसिटेट। अब यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटेट दो अलग अलग जगह पे जा सकता है। अगर ऑक्सैलो एसिटेट मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में चला गया तो उस पे कौन काम करेगा? एनएडीपी मैलिक डिहाइड्रोजनेस। तो क्या होगा? एनएडीपीएच से एनएडीपी पॉजिटिव बनेगा और ओएए यानी ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, ये भी चार कार्बन का है। इसको भेज देंगे मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे मैलेट के साथ क्या होगा? फिर से होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
तो NAD पॉजिटिव से NADH बन जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे ये बन गया NAD मैलिक एंजाइम के कारण, ये हुआ, और दूसरा इसका डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 निकल गया और क्लोरोप्लास्ट में जाके C3 साइकिल चला ली उसने, ये एक काम हो गया। क्या पे हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन? इसमें एक तो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर पाइरोविक एसिड बनेगा, वो नीचे आएगा, एलानिन अमीनो ट्रांसफरेस काम करेगा, एलानिन बनेगा, मेसोफिल सेल में जाएगा, उस पर फिर से वो एंजाइम काम करके उसको पाइरोविक एसिड में बदल देगा, इसलिए हमने उसमें देख लिया। ये क्लोरोप्लास्ट में जाके पीईपी में चेंज हो जाएगा और पीईपी इधर पे आ गया, मतलब वापस से बन गया, रिजनरेट हो गया। इसका एक और पाथवे है, ये इसी में हम एक दूसरा पाथवे ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, क्लियर। अगर ऑक्सलो एसीटेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं गया होता तो कहा जाता एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफर उस पर काम करता, तो कन्वर्ट हो जाता एस्पार्टेट में, यानी पिछले वाले रिएक्शन का अपन ने ऊपर वाला पार्ट ले लिया। एस्पार्टेट आ जाएगा बंडल शीथ सेल में, कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सलो एसीटेट में, सारा पाथ में हम देख चुके हैं। अब इस पे काम करेगा पेप कार्बोक्सी काइनेज, जिस कारण इसका थर्ड नाम अलग अलग रखा गया है। तो एटीपी से कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और बन जाएगा पीईपी, यहां से पीईपी निकल के चला जाएगा मेसोफिल सेल में, और यहां पे भी क्या हो गया डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, CO2 इधर आ गया। ये था थर्ड रिएक्शन। अब आपको अगर ये याद नहीं रखना तो क्या याद रखना वो मैं बता देता हूं। देखो यहां पे अपन ऐसा लिखते हैं, एक चीज लिख देंगे डी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम, ठीक है, ये चीजें अपन यहां लिख देंगे। चलो कैमरा अपन ऑन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक हो गया डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम, तो अपन तीनों के नाम लिख लेते हैं। पहले वाले में हमने यूज किया NADP मैलिक डिहाइड्रोजेनेस, इसको आप मेरे साथ अपने नोट्स में लिखते जाओ, याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एंजाइम हमने लिया NAD मैलिक डिहाइड्रोजेनेस, ठीक है। थर्ड हम ले लेंगे पेप कार्बोक्सी काइनेस, क्योंकि ये उससे अलग है ना थर्ड वाले में, थर्ड वाले में दो जगह डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, अभी हमें एक एंजाइम टारगेट करना है इसमें, पेप कार्बोक्सी काइनेस। चलो ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे आप लिख दो डी कार्बोक्सी लेशन लोकेशन या साइट, ठीक है। पहले वाले में कहां पे हुआ बंडल शीत सेल के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, वो भी अभी मैं आपको शो कर दूंगा। सेकेंड वाले में कहां पे हुआ बंडल शीत सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें हम लोग एक और नाम ऐड कर लेते हैं अपने लेवल पे अपने लिए, वो कौन सा है NAD मालिक डिहाइड्रोजनेस। नहीं तो आप कहोगे कि सर उसमें एक और जगह हो रहा था, वो आप नहीं लिख रहे हो, ये ओके। इसमें कहां पे हुआ बंडल शीत सेल में, एक तो साइटोसॉल में हो गया यानी उसके साइटोप्लाज्म में, वो पेप कार्बोक्सी काइनेज में एटीपी यूज हुआ, एटीपी में कन्वर्ट हुआ और CO2 निकल गया। दूसरा बंडल शीत सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो अब मैं आपको ये तीनों लोकेशंस एक बार विजिट करवा देता हूं फिर से। सबसे पहले इस नंबर थर्ड का देख लो, ये देखो यहां से एक CO2 निकल के इधर आ गया, साइटोसोल में हो गया, दूसरा इसने निकाला और यहां भेज दिया, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोसोल बंडल शीत सेल का थर्ड में। सेकेंड में देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गया यहां पे बंडल शीत सेल के, अब फर्स्ट वाले में देखो, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट वाले में देखो ये कहां पे हो रहा है बंडल शीत सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये देखो ऐसा CO2 निकल गया यहां पे। चलो सेकेंड टाइप, थर्ड, और ये अपना स्लाइड वापस आ गया, ठीक है।
अब हम देख रहे हैं कि मीजोफिल सेल टू बंडल शीत सेल क्या जा रहा है फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में मैलेट गया, ठीक है, इस फर्स्ट वाले में ही बंडल शीत सेल टू मीजोफिल क्या गया। देखो ये ही चीजें इसमें हैं जो आपको याद रखनी है, इसी के बेसिस पे तीन अलग अलग सी4 साइकिल्स बन गया। इसमें क्या चला गया, या तो पाइरूवेट बोल दो या पाइरूविक एसिड बोल दो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे इरेजर इस पेन से आ नहीं रही है, मे बी शायद कुछ इशू है, तो मैं इसको कट करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा इशू है इस पेन टैप के साथ। अच्छा, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड ले लो। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, क्या आ रहा था, एस्पार्टेट। क्या जा रहा था, एलानीन। अभी मैं दिखाता हूं वो चीज भी। इसमें क्या आया, एक तो मैलेट आया, ठीक है, कहां पे, मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, वहां से आया मैलेट, कहां पे, बंडल शीत सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फिर यहां से क्या चला गया था, पाइरोविक एसिड। रुको, कैमरा के कारण आपको विजिबल नहीं होगा ये, ओके अब विजिबल है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ था, ये वाला इसके लिए था। ठीक है, अब मैं जो दूसरा वाला बना रहा हूं वो इधर साइटोसॉल वाला, यहां पे क्या आ गया था, एस्पार्टेट। क्या चला गया था, एलानिन। ये हो गया आपका तीनों सी4 साइकिल का, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने आपको यहां प्रोवाइड कर दिया। तीनों में आपको क्या दिख रहा है, 5 ATP, 2 NADPH, 4 1 CO2। ये है आंसर मेरे क्वेश्चन का जो मैंने आपसे पूछा था। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट चीज, दैट इज CO2 कंपनसेशन पॉइंट। तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो आप लोग जल्दी से, CO2 कंपनसेशन पॉइंट। सो CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब कि आप प्लांट को उतना कार्बन डाइऑक्साइड दो कि वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर पाए। आपने प्लांट को इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड दिया जितने में वो अपना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट कर पाए, उसे हम क्या कहेंगे, CO2 कंपनसेशन पॉइंट। जैसे C3 प्लांट को चाहिए 30 ppm पार्ट्स पर मिलियन टू 70 पार्ट्स पर मिलियन, इतना CO2 चाहिए इसे अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए। C4 को चाहिए 10 ppm, यानी बहुत कम। CAM यानी कैम को तो और कम चाहिए, वो है 5 ppm। ठीक है, क्योंकि ये हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन अंदर मेंटेन कर लेते हैं, बंडल शीट सेल में पंप है ना, याद है फर्स्ट वाले साइकिल में देखा था। देन नाउ द लास्ट चीज ऑफ द लेक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। ठीक है, मतलब वही इतनी लाइट इंटेंसिटी प्लांट को मिले जिसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए, एक डेफिनेशन ये है। दूसरा डेफिनेशन ये कहता है नेट फोटोसिंथेसिस जीरो हो जाए। वो कैसे होगा कि अगर मैं यहां पर फोटोसिंथेसिस वर्ड लिख दू, इसके सामने रेस्पिरेशन लिख दू, हम इन दोनों को इक्वल करने वाले हैं, या तो नेट फोटोसिंथेसिस जीरो हो जाए, या लाइट इंटेंसिटी इतनी आए कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए, या फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाए। ये तीन चीजें अगर हो गई, या तीनों में से एक हो गया, तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट अचीव हो गया। इसमें CO2 यूज होती है, इसमें CO2 रिलीज होती है, इसमें O2 रिलीज होती है, इसमें O2 यूज होती है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। मतलब
जितना फोटोसिंथेसिस का रेट है उतना ही रेट रेस्पिरेशन का भी हो गया, तो दोनों बराबर हो गए, या जितना CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हुआ उतना ही CO2 रेस्पिरेशन में रिलीज हो गया, या जितना O2 फोटोसिंथेसिस में निकला उतना ही O2 रेस्पिरेशन में यूज हो गया, जितना कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में बना उतना ही कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में यूज हो गया। यह था लाइट कंपनसेशन पॉइंट एंड CO2 कंपनसेशन पॉइंट। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है एंड ये ध्यान रखना। अगर आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 याद नहीं हो रहे तो टेंशन मत लो, इसे याद कर लो, इसको लिख लो नोट्स में, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, उसके बाद लिख लो, लेकिन लिख जरूर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से CSIR का 2 मार्कर क्वेश्चन आना पक्का हो जाता है। अगर C3 साइकिल, केम साइकिल, C2 साइकिल नहीं लिया तो डार्क रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये बचा। अभी तक डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल एंड C2 साइकिल बहुत टारगेट हो गया है, बचा हुआ है C4 साइकिल। तो मे बी दिसंबर में होने वाले CSIR लाइफ साइंस नेट में ये क्वेश्चन आ जाए, तो लिख लीजिए इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।